टुडे इन दिस वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पीपीपी पी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट दैटस्ट एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू करेंसीज शुड एडजस्ट टू इक्वलाइज द प्राइज ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी टू कंट्रीज वेन एक्सप्रेस्ड इन अ कॉमन करेंसी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अलग अलग देशों की करेंसी की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हुए हम देशों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक देश में एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितने पैसे लगते हैं और दूसरे देश में उसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितने पैसे लगते हैं इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो देशों की करेंसी की वैल्यू है जैसे कि कैनेडा में वन डॉलर और इंडिया में अस्सी रुपये तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज़ करके समझ सकते हैं कि कितने पैसे एक देश में दूसरे देश के पैसे के इक्वल होते हैं चलिए इसको कुछ और डीपली पढ़ते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट परचेजिंग पावरपैरिटी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है इट्सजेस्ट दैट व्हेन वी लुक एट द प्राइसेस ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कन्वर्ट दैम इनटू वन कॉमन करेंसी दोज प्राइसेस शुड बी रफली द सेम इसका कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ कंपेरिजन करते हैं तो वो प्राइजेस सेम ही आते हैं फॉर एग्जाम्पल इफा स्मार्टफोन कॉस्ट डॉलर फाइव हंड्रेड एंड द यूनाइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू पी 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 इट शुड कॉस्ट अर अमाउंट वेन कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी लाइक यूरोज और य मान लीजिए कि यूनाइटेड uh, स्टेट में एक स्मार्टफोन की कीमत डॉलर फाइव हंड्रेड है और जब हम पी 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 के अकॉर्डिंग उसी फाइव हंड्रेड डॉलर को कन्वर्ट करते हैं किसी और कंट्री की करेंसी को जैसे कि यूरोज और येन की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक सेम अमाउंट ही निकल कर आती है जैसे हम अगर यूनाइटेड स्टेट में पाँच सौ डॉलर का एक स्मार्टफोन है और अगर हम अपने इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में अराउंड फोर्टी वन थाउजेंड है तो इंडिया में वो स्मार्टफोन मिलेगा फोर्टी वन थाउजेंड का जो फाइव हंड्रेड डॉलर में यूनाइटेड स्टेट में मिल रहा है तो इसके कहने का ये मतलब है पी 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 परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग की, की जो प्राइजेस हैं जो कंट्री की करेंसीज होती हैं उनके जो वहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं वो सेम ही होते हैं इफ़ इट डजेंट इट इंडिकेट्स डैट ऑन करेंसी मे बी स्ट्रॉगर और वीकर कम्पेयर टू दी अदर्स कंपेरिजन करते टाइम अगर उस देश की करेंसी की वैल्यू सेम नहीं आती तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि उस देश की करेंसी या तो स्ट्रॉगर है या फिर वीकर है अगर कम आती है तो हम वीकर इंडिकेट करेंगे अगर ज़्यादा आती है तो हम स्ट्रॉन्गर इंडिकेट करेंगे पी बी पी परचेजिंग पावर पैरिटी हेल्प्स इकोनॉमी अंडरस्टैंड हाउ एक्सचेंज रेट शुड आइडली वर्क बट इन रियल लाइफ वेरियस फैक्टर इफेक्ट करेंसी वैल्यूज तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी का के हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं बट रियल लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो करेंसी की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं तो यही थी हमारी आज की वीडियो Thanks for watching.